नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर के टॉप 10 शेयर्स के बारे में। फाइनेंस सेक्टर जो कि रिटर्न देने में सारे सेक्टर से आगे है। दोस्तों आईटी सेक्टर को सिर्फ छोड़ दें तो फाइनेंस सेक्टर जो है उसके बाद सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। इसके एक दो स्टॉक्स तो ऐसे भी हैं जो आईटी सेक्टर के स्टॉक से भी ज्यादा रिटर्न क्रिएट करके दिया है पिछले 20 सालों में। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 स्टॉक्स बताएंगे जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका कौन सा स्टॉक फेवरेट स्टॉक है। और आप इस सेक्टर के कोई दूसरे अच्छे स्टॉक्स जानते हैं जो कि इस सारे स्टॉक से ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये पहला स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक और आने वाले समय में निश्चित है कि बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा। करेंट प्राइस देखिए 168 रुपीज है, 168 रुपीज का मात्र ये स्टॉक है और काफी बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो अच्छा खासा 360% का क्रिएट करके दिया है रिटर्न, मतलब निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अगर गिरावट में कोई बाय किया रहता तो देख सकते हैं कि तब तो इसको 1000% का रिटर्न मिलता है यहाँ पर। लेकिन आप किसी भी प्राइस पे बाय किए, कभी भी बाय किए तो ये आपको निगेटिव रिटर्न नहीं देता, मतलब ये स्टॉक कभी भी किसी को ट्रैप नहीं किया है, हर किसी को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो हमेशा प्रयास करें कि नीचे के प्राइस पे ही बाय करें। आप देखिए मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है, डेट जो है 22,000 करोड़ का है। तो इन सारी कंपनियों का काम ही है डेट लेना और फिर उधर लोन देना, बीच का जो मार्जिन है उसको अर्न करना। तो ये सारी फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं। तो बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन होगा, मतलब 5% पे इधर आपसे लेगा और 7% पे उधर देगा, तो 2% का मार्जिन, कोई 3%, कोई 4% का मार्जिन अर्न करता है बीच का। और फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, रिजर्व सरप्लस 4,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है, काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, लगभग 35% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस सेक्टर के जो 9th नंबर पे है वो है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। इसके दो कंपनियां हैं, एक चोला मंडलम फाइनेंस, ये कंपनी है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। करंट प्राइस है 566 रुपीज और ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। देखिए मैक्सिमम में बात करें 6,600% का रिटर्न, तो एक मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दिया है। मार्केट कैप की बात करें 46,000 करोड़ का, एक लार्ज कैप कंपनी है, डेट 55,000 करोड़ का और प्रमोटर्स का होल्डिंग 51.6% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो निगेटिव में 2100 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस 5,100 करोड़ का है। तो सारे पैरामीटर पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। इस कंपनी का काम ही है मतलब इधर से लोन लेना और अपने कस्टमर को फिर लोन देना, बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो अर्न करती है। इन सारी कंपनियों पर आपको डेट दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद 8वें नंबर पर जो कंपनी है वो अब्बास फाइनेंसर लिमिटेड, ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। करेंट प्राइस 2500 है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न करके दिया है। और ये ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, 2018 में ही कंपनी लिस्ट हुई है, उस समय से देखते हैं 222% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियां हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट कंपनी के ऊपर 5,300 करोड़ का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 50% है इसमें, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 1191 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और रिजर्व कंपनी के पास 692 करोड़ का है, तो थोड़ा सा रिजर्व कम है कंपनी के पास। उसके बाद अगली जो कंपनी है वो SBI कार्ड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। 1076 रुपीज इसका करेंट प्राइस है, अगर मैक्सिमम ईयर में रिटर्न की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, 57% और कोई पुराना लिस्टिंग नहीं, 2020 में ही कंपनी लिस्ट हुआ है और उस पैंडमिक को लिस्ट होने के बाद ये 57% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है आपको। उसके बाद मार्केट कैप की बात करें तो 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट की बात करें 17,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 70% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग, कोई शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो 4,100 का फ्री कैश फ्लो है, रिजर्व सरप्लस 3,400 का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास। तो काफी बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है और करंट प्राइस है 496 रुपीज और देखते हैं आज ये काफी डाउन है, 5% के आसपास लगभग डाउन है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें 7,400% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो काफी बेहतरीन कंपनी और काफी बेहतरीन मतलब इसके प्रमोटर है, LIC इसके प्रमोटर है। मार्केट कैप की बात 26,000 करोड़, एक लार्ज
कैप कंपनी है, डेट 191,000 करोड़ का, डेट काफी ज्यादा है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 40% प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो देख सकते हैं माइनस में है, फ्री कैश फ्लो -14,000 करोड़, रिजर्व प्लस 16,000 करोड़। तो इस कंपनी के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही डेट है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको देखने हैं, देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद है मुथूट फाइनेंस, काफ़ी बेहतरीन कंपनी। करेंट प्राइस 1526 रुपया है और बात करें मैक्सिमम रिटर्न का 762% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं, 2011 में ही लिस्ट हुआ है। और उसके बाद कंपनी के मार्केट कैप की बात है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी। और डेट की बात करें 40,000 करोड़ डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 73% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो निगेटिव में 5,000 करोड़ है, रिजर्व सरप्लस लगभग 10,000 करोड़ का है। हर पैरामीटर पे कंपनी काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन है। उसके बाद अगला है बजाज फाइनेंस, करंट प्राइस 6,095 रुपीज करंट प्राइस है इस कंपनी का। और वहीं मैक्सिमम में रिटर्न की बात करें, स्टॉक मार्केट के जो सारे स्टॉक है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस, 1,36,000% का रिटर्न। इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले कोई भी स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में पिछले 20 सालों में नहीं मिलेंगे, जितना कि बजाज फाइनेंस ने क्रिएट करके दिया है। बात करें मार्केट कैप का, 3,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट 1,29,000 करोड़ का डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 56% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। फ्री कैश फ्लो -24,000 करोड़ का और रिजर्व सरप्लस 18,000 करोड़ का। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये, रिटर्न तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। आने वाले समय में भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि अच्छा खासा ये मतलब रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। अगला है बजाज फिनसर्व, मतलब हमारा जो टॉप 3 स्टॉक है उसकी अब बात कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और बजाज फाइनेंस की ये पेरेंट कंपनी भी है। याद रखिएगा जो बजाज ग्रुप है इसके दोनों स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। फिर HDFC ग्रुप की बात करें उसमें भी दो बेहतरीन स्टॉक है जो आपको आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है। करंट प्राइस है 11,856 रुपया और वहीं बजाज फिनसर्व का है 6,095 रुपया। मतलब ये दोनों कंपनियाँ इक्वली जो है अब ग्रो कर रही है, मतलब ये कंपनियां लीड करती है अभी बजाज फाइनेंस को, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को। और मार्केट कैप की बात है, 1,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट 1,26,000 करोड़ का डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 60%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं। फ्री कैश फ्लो -24,000 करोड़ और रिजर्व सरप्लस 21,000 करोड़। तो सारी कंपनियों के फ्री कैश फ्लो निगेटिव देखने मिल रहे हैं। काफ़ी सारा डेट है इन सब कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये काम ही करती है कि इधर से लोन लेना और दूसरों को लोन देना, बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है उसको अर्न करती है। अगला है HDFC AMC, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके ऊपर आपको डेट नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोन देने का काम नहीं करता है, बल्कि ये म्यूचुअल फंड का जो एसेट है उसको मैनेज करने का काम करती है। करेंट प्राइस है 3,000 करोड़ और कंपनी जो है ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, 2019 में ही लिस्ट हुआ। वहाँ से देखिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लगभग 128% का। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 65,000 करोड़ का इस कंपनी का, डेट 0 है। प्रमोटर्स होल्डिंग 73.9% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो 1,255 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, रिजर्व सरप्लस 3,300 करोड़ का है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी, ये कंपनी कोई लोन प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए आपको सारे चीज़ें पॉजिटिव देख रहा है। फ्री कैश फ्लो, टोटल डेट 0, क्योंकि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड मैनेज करती है और उसके लीडिंग कंपनियां हैं। अब अगला है HDFC, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और HDFC ग्रुप की पेरेंट कंपनी। HDFC ग्रुप की सबसे मेन कंपनी है ये। करेंट प्राइस है 2,500, मैक्सिमम में बात करेंगे तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है, 8,800% का। देख सकते हैं कितना सॉलिड रिटर्न क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, और ये स्टॉक आगे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके दे सकती है। मार्केट कैप भी बात है, 4,59,000 करोड़ का मार्केट कैप, डेट 4,25,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर्स होल्डिंग 0 है, क्योंकि ये पेरेंट कंपनी है HDFC ग्रुप का, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग का कोई दिक्कत नहीं है। HDFC ग्रुप की जितनी भी कंपनियां, सारी कंपनियों में प्रमोटर्स कौन है? HDFC। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हर पब्लिक की ये कंपनी है। प्लीज, परसेंटेज 0 है। फ्री कैश फ्लो 27,000 करोड़ निगेटिव है,
रिजर्व सरप्लस 93,000 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर पर यह कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। तो इस तरह से आप जो है इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी कंपनी आपको सबसे बेस्ट लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टॉक इस सेक्टर से चुनें, दो से ज़्यादा ना चुनें, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, दो दो स्टॉक ही आप चुनते हैं हर सेक्टर से, तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।